नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग पहली मंजिल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में सुबह 6:35 पर लगी थी। धीरे धीरे आग एच ब्लॉक वार्ड नंबर 11 तक पहुंच गई। उससे पहले ही आईसीयू वार्ड से 60 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि अब आग बुझ गई है और सभी लोग सुरक्षित हैं। सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि आज सुबह 6:35 पर आग लग गई थी। इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां पहुंची। इसी दौरान हॉस्पिटल स्टाफ की मदद से 60 से ज्यादा मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। आग बुझ गई है और कोई हताहत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।